सब्सक्राइब कीजिए हेल्पफुल वासा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, हेल्पफुल वासा चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं ट्रेन का, तो आपके लिए काफ़ी बैड न्यूज़ हो सकती है, काफ़ी बुरी खबर हो सकती है। यहाँ पर IRCTC की तरफ से अपडेट निकल कर आ रहा है कि अब रेलवे यात्रियों के लिए काफ़ी बैड न्यूज़ हो सकती है। आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं IRCTC पर डेबिट कार्ड से बुकिंग के ज़रिए। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी कंडीशन रखी गई है, क्या कुछ कंडीशन है जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अभी तक अगर आप डेबिट कार्ड से टिकट बुक करते थे तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन अब IRCTC पेमेंट गेटवे के लिए चार्ज कर रहा है। तो क्या कुछ है ये कंडीशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IRCTC से पहले जब टिकट आप बुक करते थे तो यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता था डेबिट कार्ड पर, लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिखा दूँ कि अगर आप ICICI, एक्सिस, HDFC या फिर पेटीएम, पेयू, ITZ के डेबिट कार्ड से अगर आप टिकट बुक करते तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ऐसे क्या चार्जेस हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1,000 रुपये का टिकट बुक करते हैं तो आपको 0.25% देना पड़ेगा। अगर आप 2,000 का टिकट बुक करते हैं तो 0.05% देना पड़ेगा। अगर आप 2,000 के ऊपर का टिकट बुक करते हैं तो आपको 1% देना पड़ेगा चार्जेस। अगर आप 5,000 का टिकट बुक करते हैं तो 50 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप 10,000 का टिकट बुक करते हैं तो आपको 100 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी बैड न्यूज़ हो सकती है आपके लिए। तो यहाँ पर अगर बुक करना है टिकट तो आप सोच समझ के बुक करिएगा कि कौन सा कार्ड है मेरा, कौन सा कार्ड नहीं है। दोस्तों, ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।